अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हैं आप सब? खैरियत से हैं? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम टू मुश्तवा ब्लॉग ऑफिशियल। कभी आपने सोचा कि आप जो वीडियो देखते हैं, मेरी देखते हैं या किसी और की देखते हैं, ये क्यों अपलोड करते हैं, क्या वजह है? और डेली बेसिस पे 2 से 3 वीडियो अपलोड हो रही होती हैं, तो इनका अपलोड करने का मकसद क्या है? जी, इसका मकसद ये है कि दुनिया का यूट्यूब चैनल एक ऐसा है कि जो आपको पैसा दे रहा है कमा कर, आप उसके अंदर वीडियो डालें वो आपको कमा कर दे रहा है। वीडियो अपलोड करें और वीडियो अपलोड करने के बाद इसका क्राइटेरिया पूरा करें, मोनेटाइजेशन ऑन होती है उसकी। मैं एक वीडियो आपको एक सेपरेट अलग करके बना दूंगा, इसके अंदर मोनेटाइजेशन ऑन होती है, क्राइटेरिया पूरा करना पड़ता है। कुछ टिप्स एंड ट्रिक हैं, जो टैग्स हैं, टाइटल हैं, वो वीडियो एक सेपरेट के तौर पर मैं आपको बनाऊँगा। लेकिन आज वीडियो बनाने का मकसद ये है कि आज हम इस वीडियो को बता रहे हैं कि हाउ टू मेक अ प्रोफेशनल यूट्यूब चैनल। कि आप इस वीडियो में हम आपको बताएंगे आप अपना यूट्यूब चैनल प्रोफेशनल तौर पर किस तरीके से क्रिएट कर सकते हैं। तो वीडियो को स्किप नहीं करिएगा, पूरी देखिएगा। कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं यूनिक है जो मैं आपको बताने वाला हूँ, अगर आप स्किप करेंगे तो आप अपना नुकसान उठाएंगे। प्लीज शेयर कर दीजिएगा और लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। जो न्यू है वो सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन पे क्लिक कर दे, न्यू वीडियोस में आपको बनाऊंगा आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। अब हम चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन की तरफ और हम आपको बताएंगे कि हाउ टू मेक अ प्रोफेशनल यूट्यूब चैनल। अब हम कंप्यूटर स्क्रीन पे आ चुके हैं, देख सकते हैं कि अभी यूट्यूब मैंने खोला हुआ है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि आप यहाँ से यूट्यूब से साइन इन करिएगा और आईडी बनाइएगा, और जीमेल से आईडी नहीं बनाइएगा। तो हम जो है सबसे पहले साइन इन करते हैं यूट्यूब से। यूट्यूब पे साइन इन का ऑप्शन है, मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ। तो यहाँ पे साइन इन के बाद यहाँ पे आ रहा है क्रिएट अकाउंट। तो क्रिएट अकाउंट पे क्लिक करेंगे तो ये आएगा फॉर माई पर्सनल यूज, फॉर माई चाइल्ड, फॉर वर्क और माई बिजनेस। तो फॉर इस पर क्लिक करेंगे थर्ड ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद जो है क्रिएट योर गूगल अकाउंट। अब मैं यहाँ पे अपनी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता हूँ। तो इसके अंदर योर ईमेल एड्रेस कह रहा है कि अब जो आप ईमेल एड्रेस रख सकते हैं वो रख लें। तो इधर आ रहा है क्रिएट अ न्यू जीमेल एड्रेस इंस्टेंट, तो यहाँ पे क्लिक करूंगा मैं। और यहाँ पे क्लिक करने के बाद ना अपना जीमेल बनाऊंगा सुबह के नाम से। तो यहाँ पे मैंने जीमेल बना दिए। तो यहाँ पे आप पासवर्ड रख सकते हैं, अपना पासवर्ड रख दें। यहाँ पे नेक्स्ट करेंगे। अब हम नेक्स्ट करने के बाद ये मोबाइल नंबर, अपना मोबाइल नंबर दे दिएगा। यहाँ पे रिकवरी ईमेल एड्रेस ऑप्शन ऑप्शनल है वो दे दिएगा, लेकिन ये आप सब प्रोवाइड कर दीजिएगा क्योंकि आपको आगे जाके प्रॉब्लम ना हो। यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ देते हैं अब हम। यहाँ पे ये सब मैंने डेटा प्रोवाइड कर दिया, मैं इसको नेक्स्ट करूँगा। देखिए यहाँ पे मेरी जीमेल बन चुकी है। अब हम जाएंगे क्रिएटर चैनल पे, क्रिएटर चैनल पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आ रहा है नेम। आप यूट्यूब का नेम क्या रखना चाहते हैं, चैनल नेम क्या रखना चाहते हैं, तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप इस चैनल को सोच कर रखें। जो आप जिस चीज़ पर काम करना चाह रहे हैं वो उस नाम, उस चैनल का नाम रखें। तो अगर आपको 1 दिन 2 दिन लगते हैं तो उधर जाके आप अपना नाम लिखने बनाएं। लेकिन मशवरा मैं आपको ये दूंगा कि आप जो है अपना सोच का नाम रखें, जिस कैटेगरी में काम करना चाह रहे हैं उस पर नाम रखें। तो एक वेबसाइट है जो मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा कि किससे आप जो है वो अपना नाम सजेस्ट कर सकते हैं, तो मैं आपको वो वेबसाइट भी दिखाता हूँ। यहाँ पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे जाता है नेम लिस्ट के नाम से, नेम लिस्ट के नाम से जो है वो वेबसाइट है, तो हम उसको खोलते हैं। अब नेम लिस्ट मेरी वेबसाइट जो ओपन हो चुकी है, तो अब इधर जो है वो बिजनेस नेम जनरेटर कह रहा है, तो मैं इसके अंदर कोई भी एक कीवर्ड डालूंगा तो वो मुझे बिजनेस नेम सजेस्ट कर देगा। तो मैं यहाँ पे बिजनेस नेम डालता हूँ, मुश्तबा डालता हूँ और जनरेट करता हूँ। अच्छा, अब ये कह रहा है सेलेक्ट जनरेशन, तो मैं यहाँ पे करता हूँ मीडियम, उसको नेक्स्ट करता हूँ, उसको ऑल स्टाइल ऑटो कर देता हूँ और जनरेट कर देता हूँ।
अब यहाँ पे आपको लोगों समेत जो है सारे नाम सजेस्ट कर दिए उसने, किस तरीके से आप नाम दे सकते हैं, ये मुश्तबा के नाम से ये लोगो आ गया, ये जी बैट आ गया, मुश्तबास आ गया, मलामो आ गया और जास आ गया, ये अलग अलग जो है ना आपको ये सारे नाम प्रोवाइड कर देगा, सजेस्ट कर देगा, बस आपको कीवर्ड डालना होगा अपना और आपको वो नाम जो है वो प्रोवाइड कर देगा। तो अब हम जो है इसका नाम क्रिएट करते हैं, यहाँ पे मैं मुश्तबा अली के नाम से क्रिएट चैनल करता हूँ। जी मेरा जो है यूट्यूब चैनल क्रिएट हो चुका है। अब हम इसकी सबसे अहम चीज और पॉइंट जो उसकी सेटिंग है, तो सेटिंग में जाते हैं और आपको बताते हैं कि क्या सेटिंग करनी चाहिए इसकी और हम आपको दिखाते हैं। तो यहाँ पर आप जाएंगे, तो यहाँ पर आ रहा सेटिंग, तो सेटिंग पे क्लिक करेंगे। सेटिंग पे क्लिक करने के बाद चैनल स्टेटस एंड फीचर्स पे जाएंगे। वेलकम टू यूट्यूब स्टूडियो, इसको कंटिन्यू करेंगे। तो यहाँ पर कंटिन्यू करने के बाद आप आएंगे सबसे पहले चैनल के अंदर, चैनल के आने के बाद यहाँ पे आएंगे फ्यूचर एलिजिबिलिटी। तो यहाँ पे देखें सबसे पहले वन स्टैंडर्ड फ्यूचर आपका अनेबल है। अब आप जो सेकेंड जो इंटरमीडिएट फ्यूचर जो है वो आप अनेबल करेंगे, वो क्या करेंगे इसके लिए आपको यहाँ पे अपना नंबर प्रोवाइड करना पड़ेगा। यहाँ पे वेरीफाई फोन नंबर है, यहाँ पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे क्लिक करने के बाद अपना मोबाइल नंबर वेरीफाई कर दिएगा तो आपका वेरीफाई हो जाएगा, ठीक है। फिर आपका जो है ये आपका एलिजिबल जो है वो ग्रीन हो जाएगा। फिर आप यहाँ पे जाएंगे थ्री एडवांस फीचर, इस पर क्लिक करेंगे तो आपको वो, इसके लिए आपको ईमेल रिसीव होगी, ईमेल से आप अपनी आईडी जो है वो वेरीफाई करवाएंगे। वेरीफाई करने के बाद आपका ये भी एलिजिबल हो जाएगा, ठीक है। अब हम इसको बंद करते हैं, क्लोज करते हैं। तो उसके बाद जो सबसे अहम आपकी जो सेटिंग है वो तो आपको मैं बता देता हूँ। अब आपको जाना है कस्टमाइज चैनल पे, कस्टमाइज चैनल पे क्लिक करेंगे। कस्टमाइज चैनल पे क्लिक करने के बाद आपके पास आ रहा है बेसिक इन्फो, तो बेसिक इन्फो पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपका नाम आ जाएगा। बेसिक इन्फो पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर नाम है मुश्तबा, उसके बाद आप सेट योर हैंडल कर सकते हैं, अपना हैंडल क्रिएट कर सकते हैं। और यहाँ पे मैं नाम लिख देता हूँ यहाँ पे हैंडल, अब यहाँ पे आप अपना हैंडल क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ पे हैंडल में मुश्तबा लिख देता हूँ, मुश्तबा क्रिएट कर दिया मैंने। पहले आप जो है अपना बेसिक इन्फो पे जाएंगे, यहाँ पे आपका नाम होगा, यहाँ पे नाम देख लिया अपना। फिर आप हैंडल क्रिएट कर सकते हैं, हैंडल क्रिएट हो जाएगा। हैंडल क्रिएट करने के बाद हम यहाँ पे डिस्क्रिप्शन क्रिएट करेंगे। हैंडल का मकसद ये है कि आप तो youtube.com/मुश्तबा आपके नाम से जो है हैंडल बन जाएगा, तो आप उसका जो है वो यूनिक आपका चैनल का लिंक हो जाएगा। यहाँ पे आप डिस्क्रिप्शन लिख दिएगा जरूरी, उसके बाद डिस्क्रिप्शन के बाद यहाँ पे आपका आपका लिंक आएंगे, सोशल मीडिया लिंक दे सकते हैं हम। यहाँ पे तीन लिंक दे सकते हैं, यहाँ पे एक लिंक टाइटल आएगा, यहाँ पे लिंक आ जाएगा सोशल मीडिया का। फिर उसके बाद यहाँ पे आपको यहाँ पे ईमेल प्रोवाइड कर देगा, जो आप ईमेल डालना चाहें, क्योंकि इससे ये होता है कि कोई स्पॉन्सर या आपको प्रमोशन देना प्रमोट करना चाहे तो आपको इस ईमेल से कॉन्टेक्ट कर सकता है। बेसिक इन्फो हो गया, अब हम जाते हैं ब्रांडिंग में। ब्रांडिंग में आने के बाद आप यहाँ पे आएंगे, सबसे पहले अपलोड बैनर इमेज। बैनर इमेज किस तरीके से अपलोड करते हैं तो मैं आपको दिखा दूँ बैनर इमेज क्या होती है। बैनर इमेज आप देखें, ये आप बैनर इमेज देख रहे हैं, मैं आपको दिखा देता हूँ बैनर इमेज। ये बैनर इमेज होती है, तो ये देख सकते हैं आप, ये बैनर इमेज है। तो ये आप बैनर इमेज बना कर लगा दिएगा अपने चैनल पर। यहाँ पर आपकी पिक्चर लग जाएगी, आप पिक्चर लगाइएगा अपनी। फिर उसके बाद यहाँ पर बैनर इमेज है, बैनर इमेज लगाइएगा। यहाँ पर वीडियो वाटरमार्क, अगर आप सब्सक्राइब का बटन लगाना चाहते हैं सब्सक्राइब का बटन लगा दें, या फिर आप अपना लोगो लगाना चाहते हैं कंपनी का, या अपना आपकी पिक्चर लगाना चाहते हैं वो लगा दें, तो ये आपकी एक ब्रांडिंग बन जाएगी, ठीक है। फिर उसके बाद हम जाते हैं लेआउट पे। यहाँ पे लेआउट पे आप अपनी जो इंट्रो की वीडियो वगैरह आप इस तरीके से लगाना चाहते हैं फर्स्ट पे, तो वो आप लगा सकते हैं। वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ किस तरीके से वीडियो लगती है। ये देखें, ये सबसे पहले मैं अगर चैनल क्लिक करता हूँ तो सबसे पहले मेरी माय फर्स्ट यूट्यूब वीडियो इंट्रो आ रहा, तो इस तरीके से आप अपना इसके थ्रू आप लगा सकते हैं। यहाँ पे आप चैनल को यहाँ पे अपनी आप वीडियो ऐड कर दें जो आप बनाइए, तो आपकी सीधे चैनल पे आ जाएगी। तो ये थी हमारी बेसिक सेटिंग।
जो प्रोफेशनल वे पे आपको मैंने बताई है, तो ये आप करें तो इंशाल्लाह आपकी जो है वो यूट्यूब चैनल बहुत अच्छे ग्रो होगा। तो आज की वीडियो को हम एंड करते हैं और आपसे जो है नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे इंशाल्लाह।